आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। मुंगेर में आज नहाए खाए के साथ शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ। गंगा स्नान करने को लेकर महिलाओं की उमड़ी भारी भीड़। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। महा आस्था का चार दिवसीय महा छठ पर्व आज नहाए खाए के साथ शुरुआत हो गया है। इस वर्ष छठ पर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर 2022 से हो रही है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन नहाए खाए आज 28 अक्टूबर 2022 को है। कल दूसरे दिन खरना 29 अक्टूबर 2022 को है और तीसरे दिन संध्या अर्ध 30 अक्टूबर 2022 को। चौथे दिन 31 अक्टूबर 2022 को उषा अर्ध देते हुए समापन होता है। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। इसमें व्रती महिलाएं लगातार 36 घंटे निर्जला व्रत रखती है। दिवाली के 6 दिन बाद माना जाता है। लोक आस्था का महापर्व है छठ पूजा, जिसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के साथ कई राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि पर छठ पूजा मनाई जाती है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी माई की भी पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। छठी माई को सूर्य देव की बहन है, धार्मिक मान्यता के अनुसार माना जाता है। छठ का त्यौहार व्रत संतान प्राप्ति करने की कामना, कुशलता, सुख समृद्धि और उसकी दीर्घायु को कामना के लिए किया जाता है। चतुर्थी तिथि पर नहाय खाय से इस पर्व की शुरुआत हो जाती है और षष्ठी तिथि को छठ पूजा की पूजा व्रत और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद अगले दिन सप्तमी को उगते सूर्य को जल देकर प्रणाम करने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। छठ व्रत बहुत ही कठिन होता है। इसमें हजारों व्रती महिलाएं लगातार 36 घंटे निर्जला व्रत रखती है। सूर्य देव की उपासना और छठ मैया की पूजा करते हैं। संतान की प्राप्ति और उसकी लंबी आयु की कामना करती है। नहाए खाए के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके नए और साफ सुथरा वस्त्र पहनकर हजारों छठ व्रतियां शाकाहारी भोजन किया जाता है। छठ पूजा का पहला संध्या अर्ध देने का मुहूर्त 30 अक्टूबर 2022 को शाम 5:37 पर शुभ मुहूर्त है। दूसरे दिन उषा अर्ध 31 अक्टूबर की सुबह 6:31 पर इत्यादि। मुंगेर जिला से दिलीप यादव की रिपोर्ट। आज नहाए का है छठ पूजा का, आज कद्दू भात, इसको कद्दू भात कहा जाता है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कल खरना होगा, परसों पहला अर्घ होगा और चौथा दिन निस्तार होगा। आज जो जाइएगा आज क्या चीज बनता है? आज क्या बनेगा? कद्दू भात बनेगा। मेरा नाम मंजू। आओ जाए घर पूजा पाठ करवा, बनेबे कद्दू भात, काम धंधा करके कद्दू भात पकेबे, अथी कोबी के परवल के तरकारी खाल जा है, चना के दाल पके है, चना के दाल कद्दू भात बने है। एक दिन आज कद्दू भात, कल मीठा खीर पकेगा, ओकर बाद खवानी बनते है, ठाकुर के हाथ उठते। क्या नाम हो? दुखनी। पावन पर्व छठ त्यौहार, सभी को शुभकामनाएं। और आज कद्दू भात है, फिर खरना है, फिर परसों पहली अर्घ है, फिर सुबह में परसों दूसरी अर्घ है। तो आज अपने अपने घर से आकर के स्नान करके पवित्र होके गंगा जल में जा करके और कद्दू का और चावल का प्रसाद बनता है, इसलिए आज कद्दू भात का दिन है। और कहा गया है कि कस्टर्णी घाट से ही छठ की उत्पन्नी हुई है। गंगा के उस पार माँ सीता खड़ा हुई थी, वहाँ छठ करी थी और राम जी इस पार में खड़े होकर के पूजा अर्चना किए थे। तो ये भी एक कथा माना गया है, यहाँ से ही कस्टर्णी से ही छठ की उत्पत्ति हुई है। और आज कद्दू भात है,
सभी भाइयों बहनों को मेरा जय श्री राम और शुभकामनाएं इसी के साथ। क्या नाम आपका? लव्य मिश्रा।